नमस्कार आप सत श्री अकाल। मैं गुरु प्रसाद पांचाल स्वागत आप सभी लोगों का करता हूँ हमारे इसी YouTube चैनल शिक्षा सूत्र में। और उम्मीद रखता हूँ कि सभी के सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, क्योंकि जितना हम अपने घरों में रहेंगे कोरोना हमारे घरों से उतना ही बाहर रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का रहेगा बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था खिलजी वंश की स्थापना के बारे में, कैसे जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत पर, और कैसे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी उसी के भतीजे और उसी के दामाद अली गुरशाश्प उर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर बच्चों लगभग 20 साल तक काम किया। 1296 से लेकर 1316 तक लगभग ये दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहा। 20 साल तक इसने शासन किया, और उसके शासन करने का तरीका जो था वो जलालुद्दीन खिलजी से बिल्कुल अलग था बच्चों। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो क्या करता था, वो माफ़ी की नीति पे डिपेंड करता था। वो लोगों को माफ़ कर दिया करता था। उसका ये मानना था कि मैं अगर लोगों को माफ़ करूँगा तो लोग जो हैं वो मेरे दया दिल जो स्वभाव है उससे मेरे पास रहेंगे, मेरा साथ देंगे। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत अलाउद्दीन खिलजी जो था वो लोगों को माफ़ नहीं किया करता था, वो लोगों को साफ किया करता था, वो लोगों को मारने में विश्वास रखता था। ये उसका ये मानना था कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, आक्रमण करने की सोच भी रहा है, तो उसे पहले ही मार देने में भलाई है, वरना वो क्या होगा, एक दिन मेरे विरुद्ध इतना स्ट्रांगली उतर जाएगा कि मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उसे ये पता था कि जैसे मैंने जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया है, कोई ना कोई मेरे खिलाफ भी विद्रोह कर सकता है। इसलिए उसने कभी भी माफ़ करने की सोची ही नहीं, हमेशा लोगों को मारने की ही सोचा करता था। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ जब वो जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद गद्दी पर बैठा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है बच्चों के, जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21 अक्टूबर 1296 को गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी, 21 अक्टूबर 1296 को गद्दी पर बैठा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और गद्दी पर बैठा कहाँ था, उसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? एक जगह थी बच्चों लाल महल नाम की एक जगह थी दिल्ली में ही, दिल्ली के किलोकरी नाम के स्थान पर हुआ करता था एक लाल महल, जो कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। उसी पर, उसी के अंदर अपना राज्याभिषेक करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए क्या हुआ, गद्दी पर तो बैठ गया। गद्दी पर बैठने के बाद उसे ये याद आया कि जलालुद्दीन खिलजी का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम क्या था बच्चों, आरकली खान हुआ करता था। आरकली खान नाम का उसका बड़ा बेटा था, जो कि क्या था, दिल्ली सल्तनत पर बैठने का हकदार हुआ करता था। देखिए जो राजा है, राजा का बेटा ही तो राजा बनेगा ना, यही तो प्रथा चलती आ रही थी राजवंशों में। अरकली खान का नंबर था जलालुद्दीन खिलजी के मरने के बाद, लेकिन बैठ कौन गया, अलाउद्दीन खिलजी बैठ गया। अब देखिए क्या हुआ, अरकली खान उस वक्त क्या था बच्चों, पंजाब का इख्तियार हुआ करता था। अब पंजाब का इख्तियार था तो अलाउद्दीन खिलजी को ये मालूम था कि कभी ना कभी ये क्या कर देगा, मुझ पर आक्रमण करने की हमेशा, मतलब ये कह सकते हैं कि उसके अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये जरूर डर रहा कि आरकली खान आएगा, मुझे मारेगा और गद्दी पर बैठ जाएगा, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के साथ किया था वैसा ही उसके साथ भी हो सकता है। तो अब क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आरकली खान की फैमिली को बंदी बना लिया, उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया, आरकली खान को भी बंदी बना लिया। अब आरकली खान के सामने दो ही, ये कह सकते हैं दो ही ऑप्शन रह गए थे, या तो वो मौत को स्वीकार कर लेता या फिर अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान स्वीकार कर लेता। आरकली खान ने देखा कि फैमिली मर रही है, फैमिली को बचाने के लिए आरकली खान ने यह कहा कि मैं अलाउद्दीन खिलजी को अपना सुल्तान मानने को तैयार हूँ, आप मुझे मेरी फैमिली जो है उसे छोड़ दीजिए। अब देखिए आरकली खान को माफ़ करने के बाद आरकली खान को दोबारा पंजाब का इख्तियार बना दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि इसका दिल जो था वो जलालुद्दीन जितना नहीं पर थोड़ा बहुत बड़ा जरूर था इसका दिल। हाँ एक और बात याद रखेंगे कि इसका दिल हिंदुओं के लिए कभी भी बड़ा नहीं रहा, हिंदुओं के खिलाफ इसको जब भी मौका मिला हमेशा इसने मौत का तांडव ही किया है, हमेशा इसने हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से मरवाने का काम किया है।
इसका ये मानना था कि हिंदू ही इसके राज्य में सबसे संपन्न थे, संपन्न अगर रहेंगे तो वो विद्रोह भी कर सकते हैं। इसलिए उसने हिंदुओं की जो संपन्नता थी, उनके जो धन धान्य थे, उनके जो भंडार थे, उनको धीरे धीरे लूटना शुरू कर दिया, उन्हें धीरे धीरे खाली करना शुरू कर दिया, ताकि जितने भी हिंदू इसके साम्राज्य में अमीर हैं वो सब के सब क्या हो जाएं, मिडिल क्लास हो जाएं या फिर गरीब हो जाएं, ताकि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कभी भी विद्रोह ना कर सकें। तो चलिए इसी के साथ बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रणनीतियां अपनाई थी, इसके कुछ अध्यादेश पास किए थे, कुछ ऑर्डिनेंस पास कर रखे थे, उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं बच्चों। इसने अपने कार्यकाल में 4 अध्यादेश पास किए हुए थे। अब जो 4 अध्यादेश थे वो क्या क्या थे, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। पहला जो अध्यादेश था इसके कार्यकाल में, इसने कह रखा था कि सभी लोगों की पेंशन जो है वो बंद कर दी जाए। पेंशन का मतलब क्या है बच्चों, जो इक्तेगार हुआ करते थे, आपको याद होगा ना इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्तेगारी प्रथा शुरू हुई थी। इक्तेगार क्या हुआ करते थे, जमीन का एक टुकड़ा उन्हें दे दिया जाता था जिसमें वे खेती किया करते थे, साथ ही साथ जो लोग उस पर रहा करते थे उनसे टैक्स वसूला करते थे, और उस टैक्स का एक पार्ट तो राजा को दे दिया करते थे, बाकी बचा हुआ अपने पास रख लिया करते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये आया कि अगर लोग इक्तेगारी प्रथा से इतने धन धान्य मतलब इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो क्या होगा, एक ना एक दिन वे मेरे विरुद्ध हमला कर सकते हैं, मेरे विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, पेंशन प्रथा को, पेंशन की जो स्कीम जो चला रखी थी उसको बंद कर दिया था इसने। दूसरा काम जो इसने किया वो क्या किया बच्चों, दूसरा काम इसने किया जासूस प्रथा को शुरू किया। जासूस प्रथा का मतलब क्या है बच्चों, अपनी जनता के बीच में ही अपने कुछ नुमाइंदे छोड़ देना, ताकि जनता के मन में क्या विचार आ रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। क्या जनता मेरे खिलाफ विद्रोह करने की तो नहीं सोच रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ, मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनने की। इससे बचने के लिए जासूस प्रथा को शुरू किया। तीसरा जो काम किया इसने, शराबबंदी का काम किया। शराबबंदी का मतलब क्या है बच्चों, इसने ये कहा कि मेरे दरबार में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, और इसलिए क्या किया इसने, खुद भी शराब पीना बंद कर दिया। देखिए अच्छा लीडर वही होता है जो खुद करके दिखाता है। इसने शराब पीना बंद कर दिया, साथ ही साथ ये भी कहलवा दिया कि मेरे दरबार में, मेरे जो साम्राज्य है, मेरी कोर्ट है जो, उसमें कोई भी शराब पीकर नहीं आएगा और ना ही शराब पिएगा। लेकिन इससे थोड़ी सी गलती क्या हो गई, शराब बंदी करने की वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। जो शराब की ब्लैक मार्केटिंग, मतलब शराब जो 400-500 रुपए की जो बोतल होती है, मतलब मुझे नहीं पता कितने की होती है बच्चों, जितने की भी होती है उसमें क्या होता है, उसके रेट जो थे वो लगभग दुगने या चौगने हो गए। मतलब लोगों को जो शराब पीने के आदि जो लोग होते हैं, लत होती है, वो तो शराब पियेंगे ही, है ना, वे उनके अंदर के जो कीड़े हैं वो तो उछलेंगे ही, कीड़े शराब मांगेंगे ही। इस वजह से क्या हुआ, शराब की जो कालाबाजारी है वो शुरू हो गई। उसके बाद क्या किया, जैसे ही पता चला इसको शराब की कालाबाजारी शुरू हो गई है, इसने क्या किया, इसने शराब की मैन्युफैक्चरिंग बंद करी। उसके बाद शराबबंदी पूरी तरह से इसके कार्यकाल में हो पाई। चौथा काम जो इसने किया, क्या किया, सामाजिक कार्यक्रम जितने भी हुआ करते थे उनमें लोगों की गैदरिंग जो थी उस पर इसने क्या किया, सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की गैदरिंग पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ये नहीं चाहता था कि 4 लोग इकट्ठे हों और मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचें या मेरे खिलाफ किसी प्रकार की गतिविधियां की जाएं। इसलिए इसने सामाजिक कार्यक्रमों में क्या किया, लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद करवा दिया। अगर इसके कार्यकाल की बात करें, इसने क्या किया था, यही एक ऐसा राजा था, ऐसा सुल्तान था जिसने स्थाई सेना बनाई थी बच्चों। अगर क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जिसने स्थाई सेना बनाई थी, तो स्थाई सेना बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को जाता। स्थाई सेना का मतलब क्या है, ये अपनी जो सेना थी उसे सैलरी दिया करता था, तनख्वाह दिया करता था। यही ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी जो ये कह सकते हैं तनख्वाह देना शुरू किया इसने अपनी सेना को। अब देखिए इसका कारण क्या था, ये चाहता था कि जो इसकी सेना है वो हमेशा इसके लिए, देखिए इससे पहले क्या होता था, जो सेना थी वो आर्मी, जो युद्ध थे युद्ध के दौरान ही सेना को इकट्ठा किया जाता था। सेना अपना अपना काम किया करती थी, कोई खेती में लगा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। जैसे ही आक्रमण करना होता था या आक्रमण होता था तब उन सारे लोगों को इकट्ठा बुलाया जाता था।
लेकिन इसने क्या किया, सेना को सिर्फ सेना का ही काम करवाएगा, उनको उसके बदले में सैलरी भी देगा। कोई व्यक्ति सेना के अलावा और कोई काम नहीं करेगा। जैसे आज होता है ना, सेना के जितने भी आर्मी के लोग हैं, आर्मी में काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कुछ भी काम करें वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो आर्मी में रहेंगे सिर्फ आर्मी के लिए ही काम करेंगे। तो यही वही अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी स्थायी सेना बनाई थी, और इसकी जो स्थायी सेना थी इसी के कारण इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर पाया था। इसके अलावा इसने क्या किया था बच्चों, इसने जजिया कर है जो वो लगा दिया था। जजिया क्या था, एक तरह का टैक्स हुआ करता था, जो कि लगभग ये कहा जाता है कि अपनी इनकम का 1/2 या फिर 1/3 हिस्सा देना पड़ता था। किसे, हिंदुओं को देना पड़ता था। मतलब ये सोचिए बच्चों कि आप किसी जगह रह रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं, और आपको केवल अपने धर्म की वजह से टैक्स देना पड़े, तो कितना अन्याय था उस समय हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर कि उन्हें केवल हिंदू होने की वजह से ही अपनी इनकम का 1/2, मतलब लगभग 50% हिस्सा उन्हें देना पड़ता था अपनी इनकम का। किसको, राजा को, सुल्तान को, केवल क्यों, क्योंकि वे हिंदू हुआ करते थे। ये सब कुछ काम अध्यादेश पास कर रखे थे, ये काम उसने कुछ कर रखे थे, जिसकी वजह से क्या था, उसका जो खौफ था लोगों के बीच में वो काफी ज्यादा हुआ करता था, लोग जो थे उससे काफी ज्यादा डरा करते थे। चलिए इसी के साथ एक और बात थी, इसके कार्यकाल में इसके जो ये कह सकते हैं इसके कोर्ट में एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था बच्चों आमिर खुसरो। आप लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में, इनका नाम सुना होगा। आमिर खुसरो नाम के एक इनके दरबारी कवि हुआ करते थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एज दरबारी कवि साथ ही साथ इनके दरबारी गायक भी हुआ करते थे। आमिर खुसरो ये हुआ करते थे। इनका जन्म लगभग 1253 के आसपास हुआ था, आमिर खुसरो का। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था बच्चों एटा, एटा यूपी में एक जगह है एटा, एटा में भी कहाँ, पटियाली, पटियाली नाम की जगह थी उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म आमिर खुसरो का एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आमिर खुसरो के एक सूफी संत गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था बच्चों इनके गुरु का, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अगर आप कभी दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ गए हैं, ट्रेन से गए हैं, तो एक स्टेशन आता है जिसका नाम क्या है बच्चों, निजामुद्दीन। जो निजामुद्दीन स्टेशन है वो इन्हीं संत के नाम पर ही रखा गया है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम पर ही रखा गया है उस स्टेशन का नाम। हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु मान बैठे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये काफी ज्यादा रचनाएं हैं। उनमें से एक रचना क्या है इनकी, इन्होंने कहा था कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। मतलब क्या है इसका, इसका ये मतलब है कि खुसरो का जो दरिया है, मतलब प्रेम का जो दरिया है, उसकी जो धार है, उसका जो फ्लो है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जो भी इसे पार करने की सोचेगा वो इसमें डूब जाएगा, और प्रेम में जो डूब गया उसकी नाव तो पार ही पार है। तो चलिए आमिर खुसरो के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। आमिर खुसरो ने क्या क्या काम किए बच्चों, आमिर खुसरो ने कवाली की शुरुआत की थी इंडिया में, ये कह सकते हैं कवाली की जो शुरुआत थी वो आमिर खुसरो ने की थी। कवाली जो गाने की प्रथा थी आमिर खुसरो ने शुरू की थी। दूसरी बात क्या की थी, उन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया था। खड़ी बोली जो होती है ना, उसमें रचनाएं लिखना शुरू किया था इन्होंने। और क्या किया था इन्होंने, तबले का आविष्कार किया था इन्होंने। तबला जो होता है ना, वाद्य यंत्र है जो, तबला उसका आविष्कार किया था। इसके अलावा सितार का आविष्कार किया था। देखिए तबले का आविष्कार जो था वो कैसे हुआ था, इनके दरबार में ढोलक बजाने वाला व्यक्ति हुआ करता था। ढोलक बजाने वाले व्यक्ति से ढोलक लेकर बीच में से आधा काट दिया था और क्या बना दिया था, तबला बना दिया था आमिर खुसरो ने। कवाली, खड़ी बोली, तबला, सितार, ये सब इन्होंने काम किए थे। इसके अलावा क्या काम किया था, इसके अलावा इन्हें एक उपाधि दे रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि दे रखी थी, जिसके जो उपाधि थी तोता ए हिंद नाम की उपाधि दे रखी थी किन्हें, आमिर खुसरो को, तोताए हिंद। इंडिया का ये कहा जाता है तोताए हिंद बोला जाता था इन्हें, ठीक है जी। इसके अलावा क्या कर रखा था, एक और बात बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा कि सर एक बार कॉल कर लेना, नीचे कॉल कर लेना एक बार।
देखिए क्या है, इसके अलावा क्या कर रखा था इनको, इन्होंने जैसे कि आपको पता है हमारे देश में हमारे सर का जो ताज है वो कश्मीर को माना गया है, तो कश्मीर को इन्होंने क्या कहा था, कश्मीर को इन्होंने दुनिया का जन्नत बताया था। क्या बताया था बच्चों, कश्मीर को जन्नत, कश्मीर को जन्नत की उपाधि दी थी किसने, अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को जन्नत की उपाधि दे रखी थी। इंडिया में कहा था कि अगर कहीं जन्नत है तो कहाँ पर है, वो केवल कश्मीर के अंदर ही जन्नत है। देखिए बहुत सारे काम किए थे, कव्वालियों की रचना कर दी, खड़ी बोली, तबला बना, इन्होंने तबेले का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, तोताए हिंद की उपाधि मिली थी इन्हें, कि इन्होंने किसने दी थी इन्हें, अलाउद्दीन खिलजी ने दे रखी थी, इन्होंने कश्मीर को जन्नत कहा था। अच्छा इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, एक बुक की रचना की थी जिसका नाम था खमसाए खुसरो, खमसाए खुसरो नाम की एक बुक लिखी थी इन्होंने। क्या नाम था बच्चों उस बुक का, खमसा ए खुसरो, खमसा ए खुसरो नाम की एक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, ठीक है। अच्छा देखिए क्या है, आमिर खुसरो जो थे अपने जो गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके काफी करीब हुआ करते थे। उनका ये मानना था और ये भी कहा भी था उन्होंने कि मेरे मरने के बाद मेरी जो कब्र है, मेरी जो समाधि है, या फिर ये कहें कि मैं मरूं जब, तो मेरे गुरु को जहां दफनाया गया है तो मुझे मेरे गुरु के पैरों के पास ही दफना दिया जाए। तो ये कहा जाता है कि अमीर खुसरो की जो कब्र है वो कहाँ पर है बच्चों, अमीर खुसरो की जो कब्र है वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के परिसर में ही, जहाँ पर उनके पैर हैं उसी के पास अमीर खुसरो की कब्र भी है। अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है आप पर, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास किसकी कब्र है, एक क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, मुगलिया सल्तनत के जो राजा थे हुमायूं, उनका ही जो कब्र है वो भी हजरत निजामुद्दीन के परिसर में ही बनी हुई है। उन्हें भी जो दफनाया गया है वो कहाँ दफनाया गया है, उन्हें दफनाया गया है हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही दफनाया गया है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आमिर खुसरो तो का जो तो चैप्टर है वो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आमिर खुसरो की जो डेथ हुई थी वो लगभग ये कह सकते हैं आप 1335 के आसपास इनकी डेथ हुई थी, जब इनके गुरु की डेथ हो गई थी 1334 के आसपास इनके गुरु की डेथ हुई थी, उसके बाद शॉक में आ गए थे, उसके बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो था बच्चों, इसने जो अपना ये कह सकते हैं साम्राज्य का एक्सपेंशन जो था वो कैसे किया था, इसने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों ही दोनों जगहों पर अपना जो एक्सपेंशन है वो किया था। तो इसके कुछ युद्धों के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इसका जो पहला युद्ध था जो इसने एक्सपेंड करने के लिए अपना युद्ध बनाया था, चलाया था, वो युद्ध किया था इसने कहाँ पर किया था, सबसे पहला युद्ध आक्रमण जो कह सकते हैं, सबसे पहला आक्रमण जो उसका हुआ था वो हुआ था गुजरात और जैसलमेर में। जैसलमेर और गुजरात के आसपास इसका पहला युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, 1298 के आसपास इसने पहला अपना आक्रमण किया था। आक्रमण करने का कारण क्या था, ये चाहता था कि अपने साम्राज्य को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए। अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने के लिए इसने गुजरात और जैसलमेर जैसी जगहों पर आक्रमण किया था। अब देखिए क्या है, जो गुजरात था उस समय वहां पर एक वाघेला वंश चलता था, वाघेला वंश में भी राजा कर्णदेव हुआ करते थे, वो साम्राज्य किया करते थे वहां पर गुजरात में। अब क्या हुआ, जो ये अलाउद्दीन खिलजी था इसने अपने कुछ गवर्नर्स को भेजा गुजरात और जैसलमेर में आक्रमण करके अपने अधीन करने के लिए। पहले उन्होंने जैसलमेर पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया, उसके बाद गुजरात में जो राजा थे कर्णदेव उन पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद गुजरात को भी अपने अधीन कर लिया। राजा कर्णदेव अपनी बेटी को लेकर भाग गए वहां से, और कहाँ चले गए, वहीं चले गए जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहले आक्रमण किया था, देवगिरी में राजा रामचंद्र के पास ही चले गए थे वहां पर। लेकिन क्या हुआ, अपनी पत्नी कमला देवी को वहीं छोड़ गए थे, कौन, राजा कर्णदेव। राजा कर्णदेव जब अपनी पत्नी को वहां छोड़ गए तो इसके जो गवर्नर थे
कमला देवी नाम की इसकी वाइफ थी, कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के सामने लेकर गया और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कमला देवी से विवाह कर लिया। अब देखिए क्या है, ये कहा जा सकता है कि विषय वासनाओं से लिप्त था, उसमें बिल्कुल चूर रहा करता था अलाउद्दीन खिलजी, किसी और की पत्नी से इसने विवाह कर लिया था। अच्छा आपको याद भी होगा इसकी पहली पत्नी का नाम क्या था बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था मेहरुन्निसा, उससे भी इसने शादी की थी। और ये कहा जाता है कि शादी केवल एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ करती थी। मेहरुन्निसा अलाउद्दीन से खुश नहीं थी, अलाउद्दीन मेहरुन्निसा से खुश नहीं था, बस आए दिन दोनों के झगड़े हुआ करते थे। तो चलिए आगे बात करें, गुजरात और जैसलमेर में लगभग 1298 के आसपास इसने आक्रमण करके गुजरात और जैसलमेर को अपने अधीन कर लिया था। दूसरा जो आक्रमण किया इसने वो किया था बच्चों रणथंभौर पे किया था, रणथंभौर पर इसने अपना दूसरा आक्रमण किया था। और कब किया था, वो लगभग 1301 के आसपास रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर के एक राजा हुआ करते थे राजा हमीर देव। देखिए क्या है, दोनों की सेनाएं अलाउद्दीन खिलजी और राजा हमीर देव की सेना बहुत प्रबलशाली हुआ करती थी, दोनों में इतना शक्ति थी कि दोनों हार नहीं मानना चाहते थे। अब दूसरी बात ये याद रखिएगा, जितने भी आक्रमण हुए हैं, चाहे वो तराइन का युद्ध हो, चाहे वो रणथंभौर का युद्ध रहा हो, चाहे जितने भी आक्रमण रहे हों जो कि मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा जीते गए थे, उनमें सारे के सारे युद्ध हमेशा धोखाधड़ी से जीते गए थे। आपको याद भी होगा, या फिर अभी वैसे हम अपना कोर्स में आया नहीं है, मुगलों ने जो पहला आक्रमण किया था भारत के ऊपर, जिसमें उन्होंने अपनी स्थाई, ये कह सकते हैं कि अपना जो साम्राज्य विकसित कर लिया था 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, उसमें भी क्या किया था, धोखे से ही युद्ध जीता था, उसके बाद ही अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर पाया था बाबर। तो ऐसा ही कुछ रणथंभौर के युद्ध में भी हुआ, 1301 के आसपास ये युद्ध हुआ रणथंभौर का, जिसमें राजा हमीर देव को धोखे से हरा दिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। अब बात करते हैं जो तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ था बच्चों चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का ये काफी ज्यादा, ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट युद्ध रहा, 1303 के आसपास हुआ। चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे महारावल रतन सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पद्मिनी। आपको वो मूवी याद होगी बच्चों, पद्मावत मूवी, जिसमें दीपिका पादुकोणे ने पद्मावत रानी का किरदार निभाया है और रणवीर सिंह ने क्या किया है, अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया है। चित्तौड़ का जो युद्ध था, देखिए रणथंभौर के बिल्कुल नजदीक ही है चित्तौड़। देखिए रानी पद्मिनी की खूबसूरती के चर्चा सुन रखी थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी का दीदार करना चाहता था। अब क्या करता था, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग हुआ करता था। जो राजपुताना, ये कह सकते हैं राजपुताना, जितने भी साम्राज्य राजा हुआ करते थे, उनके किलों में अंदर घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनके जो किले थे, पहली बात तो गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, दूसरे उनके किलों की जो रचना थी वो इतनी ज़्यादा अजीब हुआ करती थी कि किसी भी आक्रमणकारी, किसी भी इन्वेडर के द्वारा अंदर घुसना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर था। ऐसा ही कुछ रणथंभौर के युद्ध में हमीर देव के खिलाफ भी हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, इन सभी राजाओं के, ये कह सकते हैं, किलों के बाहर बिल्कुल अपनी सेना को चारों तरफ से घेर कर बैठ जाया करता था। इसका मतलब क्या था, अंदर आने और बाहर जाने पर पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता था, मतलब बाहर का कोई सामान अंदर नहीं जा सकता था, अंदर का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता था। अब क्या होता था, अगर अंदर का सामान, मतलब अंदर सामान नहीं जा सकता, तो जितने इतने सारे लोग किले में रह रहे हैं तो कभी ना कभी राशन पानी तो खत्म होगा ही, 1 महीना 2 महीना 4 महीना कभी ना कभी राशन पानी तो खत्म होगा ही। अंदर बैठे जो राजा हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, या तो सरेंडर करना पड़ेगा या युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ होता था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। रणथंभौर में भी क्या हुआ, राजा हमीर देव ने भी ऐसे किया, करीब कहते हैं 3-4 महीने तक रणथंभौर में राजा हमीर देव के किले के बाहर बैठा रहा अलाउद्दीन खिलजी, और चित्तौड़ में तो लगभग ये कहा जाता है 8 महीने तक बाहर बैठा रहा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अंदर का राशन पानी खत्म होना शुरू हुआ, तब
रतन जो महारावल रतन सिंह जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने मिलने की गुजारिश मिलने के लिए कहा अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली करना क्या चाहता था, रानी पद्मिनी के दीदार करना चाहता था, उसको देखना चाहता था। रानी पद्मिनी को ये मालूम था कि इसके जो मंसूबे हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये केवल दीदार मात्र नहीं, ये मुझे पाना चाहता है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये कहा सोचा कि क्या पता वो दीदार करके वापस चला जाए, लेकिन उसके मंसूबे थोड़े खराब थे। तो ये डिसाइड किया गया कि रानी पद्मिनी के जो दीदार हैं अलाउद्दीन खिलजी एक शीशे से करेगा। लेकिन क्या किया, अब शीशे में दीदार तो कर लिए, लेकिन उसके बाद उसको देखने के बाद रानी पद्मिनी जो थी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, उनको देखने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बिल्कुल पागल सा हो गया और ये कहने लगा कि मुझे रानी पद्मिनी चाहिए, मैं उससे विवाह करूँगा। लेकिन देखिए आगे उसके बाद जो पूरी की पूरी मूवी बनी हुई है वो आप देखिएगा, उसमें आपको स्टोरी जो और डिटेल में पता चलेगी। हम आपको ये बता देते हैं जो चित्तौड़ का युद्ध है वो 1303 के आसपास हुआ। और ये जो कहानी है ये हमें कहाँ से मालूम पड़ती है, ये हमें एक उपन्यास पद्मावत नाम का एक उपन्यास है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, 1540 के आसपास इसे लिखा था। और याद रखेंगे 1540 में शेरशाह सूरी का साम्राज्य चल रहा था इंडिया के अंदर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर। उससे पता चलता है हमें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में क्या किया था, हमला किया था। अब देखिए क्या हुआ, राजा चित्तौड़ में 1303 में जो हमला हुआ उसमें राजा रावल सिंह जो थे, महारावल रतन सिंह को जो थे उनकी हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, और रानी पद्मिनी को लेने के लिए महल के अंदर घुस गया। लेकिन रानी पद्मिनी जो थी उन्होंने वहां की जितनी भी महिलाएं थी महल की, उन सभी महिलाओं के साथ क्या कर लिया बच्चों, जौहर कर लिया। जौहर का मतलब क्या है, अग्नि में अपने आप को आत्मदाह कर लेना अपनी आबरू बचाने के लिए। अब रानी पद्मिनी ने सोचा कि जान जाए पर आन ना जाए, देखिए क्या है, बहुत बढ़िया बात है कि जान चली जाए पर आबरू ना जाए, ऐसा सोचकर सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर करने से क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और ज्यादा बिलख गया और चित्तौड़ को तहस नहस करने के बाद, चित्तौड़ पर उसने क्या किया, चित्तौड़ को तहस नहस करने के बाद एक नई जगह बसा दी जिसका नाम रख दिया उसने खिजराबाद। इस युद्ध में आपने अगर मूवी देखी होगी तो दो व्यक्तियों का नाम आता है, गोरा और बादल। वो सही करेक्टर है, असली करेक्टर है। गोरा और बादल ने इस साम्राज्य को, चित्तौड़ के साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी, और लेकिन किसी महिला की आबरू को लूटने ना दिया। बहुत ही अच्छा काम किया चित्तौड़ में, मतलब ये कह सकते हैं कि राजपूताना को हराना उस वक्त किसी भी साम्राज्य के बस की बात नहीं था, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी ही क्यों ना हो, कैसे ही ना कैसे उसने धोखे से जरूर हरा दिया। लेकिन अगर बात करें अगर उसको हराने की बात, तो उसकी किसी के बस में नहीं थी। अब बात करते हैं उसने जो चौथा युद्ध किया वो किया सिवाना में, हुआ चौथा युद्ध, सिवाना नाम की जगह थी उस पर हुआ चौथा युद्ध, वो 1308 के आसपास हुआ। और जो पांचवा युद्ध हुआ वो जालौन में हुआ बच्चों। देखिए आमिर जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसने अपने शासन काल में लगभग 5 जगह, 1310 में हुआ था याद रखेंगे इसको, 5 जगह इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए 5 जगह युद्ध किए। गुजरात और जैसलमेर में 1298 में, रणथंबोर में 1301 में, चित्तौड़ में 1303 में, सिवाना में 1308 में, जालौन में 1310 में। नॉर्थ इंडिया को एक्सपेंड करना चाहता था और इंडिया पे अपना, ये कह सकते हैं अपना अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा अब क्या हुआ, जो गुजरात का युद्ध था ना 1298 का, उसके दौरान ही उसने क्या किया, एक किन्नर को, एक ये कह सकते हैं किन्नर को उसने खरीद लिया था जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर नाम के एक किन्नर को खरीद लिया था, जिसे उसने कहाँ से खरीदा था, गुजरात से, और 1000 दिनार देकर, देखिए 1000 दिनार की एक बड़ी रकम देकर खरीदा था मलिक कफूर को। इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। जो ये था बेसिकली क्या था, किन्नर था। और ये बाद में ये भी कहा जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर दोनों आपस में प्रेम भी करने लगे थे, अपनी पत्नियों को छोड़कर मलिक कफूर के साथ ही रहा करता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। 1000 दिनारी कहा जाता था, काफी चतुर था, काफी साहसी था ये मलिक कफूर, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति भी बना रखा था किसे, मलिक कफूर को।
देखिए बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी का जो ये कह सकते हैं करेक्टर है काफी बड़ा है, तो हम आज की क्लास को इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे इसने प्रशासनिक रूप से इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया, कैसे इसने साउथ इंडिया में स्थापित किया अपना साम्राज्य, और मलिक कफूर के बारे में भी बात करेंगे, कैसे मलिक कफूर ने साउथ इंडिया में जाकर देखा, समुद्र को पहली बार देखा, और क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को ही अलेक्जेंडर घोषित कर दिया था, ये कह सकते हैं सिकंदर सानी घोषित कर दिया था। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम वो इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के बाद जब सेकंड पार्ट लेकर आएंगे हम अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और अच्छी तरह से, और हो सकता है कि अगले ही लेक्चर में हम खिलजी वंश है उसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद खिलजी वंश के बाद जो तुगलक वंश आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बस इसी बात के साथ धन्यवाद, नमस्कार।